दोस्तों, क्या आप भी गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के फैन हैं? तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2023 के एक महत्वपूर्ण मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स से हुआ। दोनों ही टीमों के बीच यह मुकाबला मोहाली के पीसीएस स्टेडियम में खेला गया। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी पंजाब किंग्स की शुरुआत काफी खराब रही और उसने मैच के दूसरे ही गेंद पर परसिमरन सिंह का विकेट 0 रन पर गवा दिया। परसिमरन को मोहम्मद सभी ने रशीद खान के हाथों में कैच आउट कराया। इसके बाद पंजाब ने चौथे अपने कप्तान शिखर धवन का भी विकेट मात्र 8 रनों पर गवा दिया। 28 रनों पर दो विकेट गिराने के बाद मैथ्यू शॉट ने कुछ ताबड़तोड़ शॉट लगाकर पारी को संभालने की कोशिश की। अपने आईपीएल करियर का दूसरा मैच खेल रहे मैथ्यू शॉट ने 24 गेंदों पर 36 रनों की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। जब टीम का स्कोर 55 रन था, तभी रशीद खान ने एक शानदार गेंद पर उन्हें बोल्ट कर दिया। फिर भानुका राजपक्षे और जितेश शर्मा ने मिलकर पंजाब किंग्स के लिए 37 रनों की साझेदारी की। इस पार्टनरशिप के दौरान दोनों खिलाड़ी तेज गति से रन बनाने के लिए जूझते रहे। तेज गेंदबाज मोहित शर्मा ने जितेश को कैच आउट कराकर इस पार्टनरशिप को तोड़ने में कामयाबी हासिल की। जितेश ने 23 गेंदों का सामना करते हुए 25 रन बनाए, जिसमें 5 चौके शामिल थे। पारी के 70वें ओवर में पंजाब किंग्स ने भानुका राजपक्षे का विकेट गंवा दिया। अल्जारी जोसेफ की गेंद पर आउट होने वाले राजपक्षे ने 26 गेंद पर 1 चौके की मदद से सिर्फ 20 रन ही बनाए थे। तो इस प्रकार पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को जीत के लिए 154 रनों का टारगेट दिया। 154 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस ने शानदार शुरुआत की। शुभम गिल और रिद्धिमान शाह की जोड़ी अच्छी रही और दोनों तेज गति से रन बना रहे थे। 4 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर बिना किसी नुकसान के 44 रन पर थे। इसके बाद गुजरात ने 4 विकेट खोकर 1 गेंद रहते हुए भी लक्ष्य को हासिल कर लिया। गुजरात की तरफ से सबसे अधिक रन शुभमन गिल ने 67 रन बनाए। तो दोस्तों, इन दोनों टीमों में आपका कौन सा बेहतर टीम है कमेंट करके बता दीजिएगा और चैनल पर जो पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।